उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ की गई बर्बरता व लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। हापुड़ घटना के बाद अलीगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिदिन तरह तरह का प्रदर्शन किया जाता है और पुलिस को तरह तरह की चेतावनी दी जाती है। वहीं आज अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन मिला है और दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अधिवक्ताओं के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में धरने पर बैठे हैं। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगें पूरी नहीं होंगी वे अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को समर्थन देते रहेंगे। जानकारी देते हुए अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष वशिष्ठ ने कहा कि हापुड़ में हमारे अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना के बाद अलीगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन भरपूर मिला है और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये लोग हमें भरपूर समर्थन देंगे। पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उन्होंने अधिवक्ताओं को सपोर्ट दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम आपके हर दुख दर्द में शामिल रहेंगे और कहा कि जो पुलिस कर्मी है उनको सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफर नहीं किया जाए और जो पिटे हैं उनको मुआवजा दिलवाया जाए, प्रोडक्शन एक्ट लागू किया जाए और यहाँ तक कहा है कि जो डीएम एचएसपी के अध्यक्षता में जो भी ये घटना हुई है उनको विधानसभा बुलाकर माफी मंगवाई जाए। कांग्रेस पार्टी हमारे खड़े हैं, हमें संतोष जी आए, अध्यक्ष जी आए, कल विवेक बंसल भी आए थे, उससे पहले प्रतिमा सिंह भी आई, उसके बाद रोजाना कोई आ रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है।